दोस्तों, यदि आप भी कोई ऐसी चीज़ ढूंढ रहे हैं जो कि आपके बालों के झड़ने को बिल्कुल ही रोक दे, साथ ही साथ बालों में घनापन आए, बालों की लंबाई दुगनी तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो, आज मैं आपके लिए एक ऐसी आयुर्वेदिक हेयर केयर रेमेडी लेकर आई हूँ जो कि आपके हेयर लॉस को तुरंत ही कंट्रोल करेगी। खासकर ठंड के मौसम में दोस्तों, हम लोग कोई भी हेयर मास्क नहीं लगा पाते हैं, ठंड लगने का भी थोड़ा डर रहता है। आज इस वीडियो में दोस्तों जो रेमेडी लेकर आई हूँ, इसे आपको मुश्किल से 20-25 मिनट तक लगाकर रखना है। इसके बाद आप लोग हेयर वॉश कर सकते हैं और इसे छुटाना भी बहुत आसान है। बहुत हैवी पैक हम लगाते हैं, फेनुग्रीक का हेयर मास्क लगाते हैं, तो उसे निकालने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आज इस वीडियो में एक ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ जिसे लगाना भी आसान है, निकालना भी आसान है और जिसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है कढ़ी पत्ता। कढ़ी पत्ता, इनके पत्तों को सुखा लिया था मैंने, सुखाकर पीस कर मैं ऐसे ही स्टोर करके रखती हूँ। आप चाहें तो इसे छान कर भी रख सकते हैं, मैंने छाना नहीं है, बारीक अच्छा पीस लिया था। करी लीव्स बालों को वो न्यूट्रिशन देती है दोस्तों जो कि केवल तेल के द्वारा बालों को नहीं मिलता। करी लीव्स में कुछ ऐसे डार्कनिंग एजेंट होते हैं दोस्तों जो कि हमारे सफ़ेद बालों को जड़ से काला और मजबूत बनाते हैं। आयोडीन होता है, जिंक होता है, विटामिन ई, विटामिन सी होता है करी लीव्स में, बीटा कैरोटीन व एमिनो एसिड होते हैं मीठे नीम की पत्तियों में। तो आपको करी लीव्स का इस्तेमाल करना है, ताज़ी मिले तो ताज़ी, नहीं तो सूखी। अगली चीज़ एलोवेरा, केवल पौधे का प्लांट बेस्ड एलोवेरा ही लेना है, बाजार वाले केमिकल वाले जेल का इस्तेमाल नहीं करना है। दो मोटी पत्तियों को काट लिया, थोड़ी देर मैंने इसी तरह से एक जार में खड़ा करके रख दिया था ताकि इसका जो येलो सब्सटेंस है जो कि काफ़ी एलर्जिक रिएक्शन देता है दोस्तों, उस वो अलग हो जाए। 10 मिनट बाद मैंने वापस इस पत्ती को उठा लिया है, धो लिया है। धोने के बाद आपको इसके एजेस रिमूव करना है। वैसे तो एलोवेरा की स्किन में भी ढेर सारे विटामिन और मिनरल होते हैं और आप चाहें तो इसके छिलके सहित इसका इस्तेमाल करें या छिलके निकाल कर केवल जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। केमिकल वाले एलोवेरा जेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, जितना हो सके केमिकल से बच के रहें। आजकल बाल खराब होने का सबसे बड़ा कारण यही है, हम लोग बहुत ज़्यादा केमिकल की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। घर पर एलोवेरा का पौधा ज़रूर लगाएं। यदि एलोवेरा का आप लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं चेहरे के लिए, स्किन के लिए, बालों के लिए, तो केवल पौधे से निकला हुआ जेल ही लें। 100% प्योर होता है, कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ये देखिए, इस तरह से मैंने छिलका निकाल लिया है। आज मैं केवल इसके जेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत से वीडियो में मैं इसके छिलके का भी इस्तेमाल करना आपको बताया है। तो एलोवेरा जो होता है प्रकृति का एक वरदान है दोस्तों, इतने सारे इसमें पोषक तत्व होते हैं। डैंड्रफ की समस्या को दूर करता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। एलोवेरा की इन पत्तियों में, इन जेल में विटामिन सी होता है जो कि हमारे स्कैल्प की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। विटामिन ई होता है एलोवेरा जेल में जो कि हमारे स्किन और बाल दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। साथ ही साथ विटामिन B1, विटामिन B12, ढेर सारे मिनरल और विटामिन होते हैं। तो इस तरह से मैं सारी पत्तियों का ऊपर का छिलका निकालती जा रही हूँ और जो जेल है उसे मैं अलग करती जा रही हूँ। ये है 100% जेल जो कि बिल्कुल प्योर है। सभी एज ग्रुप वाले एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई डर नहीं है दोस्तों। बहुत से लोग तो एलोवेरा का जूस पीते हैं, आजकल तो मार्केट में एलोवेरा का पाउडर आने लगा है, परंतु फ्रेश ताज़ी पत्तियों के जेल में पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है कंपेरिजन ड्राई के। किसी ना किसी रूप में आपको एलोवेरा का इस्तेमाल अपने बालों के लिए ज़रूर करना है और इसमें इतने सारे नेचुरल ऑयल्स होते हैं और साथ ही साथ जो एलोवेरा होता है दोस्तों, ये हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाता है। हमारे स्कैल्प का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। यदि स्कैल्प हमारा स्वस्थ रहेगा, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, तो बहुत हद तक हेयर फॉल रुक जाता है। यहाँ पर मैंने एलोवेरा का जेल निकाल लिया है। करी लीव्स मैं ताज़ी भी आपको बता रही हूँ और पाउडर भी बता रही हूँ। जिन लोगों के यहाँ ये पौधा नहीं लगा है, जिन्हें ताज़ी पत्तियाँ नहीं मिलती हैं, वे करी लीव्स के पाउडर का इस्तेमाल करें। जब भी करी लीव्स बाज़ार से ख़रीद के लेकर आएँ, आजकल तो सब्ज़ी दुकान में भी मिलता है, वैसे तो पेड़ लगाए, मैंने तो घर पर लगाया है, आपको भी मीठे नीम की पत्तियों का पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। रोज़ के खाने में इस्तेमाल करें, दो पत्तियों को रोज़ चबा चबा कर खाएँ, आप देखिए आपके बालों का झड़ना बंद होगा। तो जो करी लीव्स हैं इन्हें मैंने डंडियों में से अलग कर लिया है, धो लिया है और ग्राइंडिंग जार में आपको एक कटोरी करी लीव्स डालना है और बाकी एलोवेरा का जेल। इसे ब्लेंड करते समय बिल्कुल पानी नहीं डालेंगे। आप देख सकते हैं ये है शुद्ध हमारा एलोवेरा जेल। इसमें खुद में इतना वाटर कंटेंट होता है, आसानी से ये ब्लेंड हो जाता है। मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है। अभी आप देखिएगा इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल लिक्विड ही रहेगी।
सभी तरह के बालों को सूट करता है एलोवेरा। एलोवेरा का कभी भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एक ऐसा औषधीय पौधा है दोस्तों, जो कि हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यहाँ पर आप इसे छानकर ही इस्तेमाल करें। कई बार क्या होता है, छोटे बहुत टुकड़े रहते हैं, हमारे बालों में फंस जाते हैं और फिर हमें बहुत ज़्यादा हेयर वॉश करना पड़ता है। इसलिए मैं इसे मोटे तार की छन्नी से, आप देख सकते हैं मैंने सूप वाली जो मोटी छन्नी होती ना, उसका इस्तेमाल किया है। बहुत बारीक तार वाली छन्नी का इस्तेमाल नहीं करना है। ये लगाना है अब आपको बालों में। ये कोई हैवी हेयर मास्क नहीं है जिसे निकालने में आपको आधा घंटे का टाइम लगेगा। इसे निकालना भी बहुत आसान है, इसे लगाना भी बहुत आसान है। आपके पास इस तरह से किसी दवाई की बॉटल का ढक्कन होगा, ड्रॉपर, आप उससे भी लगा लें। पूरे अपने रूट्स पर लगाएं, बालों की जड़ों पर लगाएं। आपके बालों की जड़ें स्ट्रांग होंगी और उनका गिरना, उनका टूटना रुकेगा। इसके साथ ही साथ आप चाहें तो कॉटन रुई की सहायता से भी लगा सकते हैं, ये ड्रॉपर नहीं है तो। मेरे पास तो दवाई की बॉटल का था, तो मैं हमेशा संभाल के रखती हूँ इन चीज़ों को। नहीं तो आप कॉटन पैड की मदद से भी लगा सकते हैं। सबसे पहले, लगाने से पहले बालों को ज़रूर सुलझा लें। मोटे दांत वाली जो कंघी होती है उसी से ही बालों को सुलझाना चाहिए, ताकि बाल ज़्यादा खींचने ना पाए। तो चलिए, अब मेरी बेटी आपको ये लगा कर दिखा रही है। ये देखें, इस हेयर टॉनिक को जो हमने प्योर बनाया है, जिसमें सिर्फ एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट है, एक ड्रॉप भी इसमें पानी नहीं है, करी लीव्स के सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे विटामिन्स हैं। इसे लगाना भी बहुत आसान है, इसे निकालना भी बहुत आसान है। तो बालों की हम ये केयर तो कर सकते हैं, क्योंकि ठंड में हम लोग हेयर मास्क नहीं लगा पाते हैं। आप इसे कम से कम 15-20 मिनट रखें, आसानी से 15-20 मिनट का समय निकल जाता है, उसके बाद बस हेयर वॉश कर लें। आप चाहें तो शैम्पू का इस्तेमाल करें, वरना ना करें। सादे पानी से हेयर वॉश करेंगे, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इतनी पावरफुल रेमेडी शेयर की है, खासकर मैंने विंटर स्पेशल ये रेमेडी बनाई है आप लोगों के लिए, ताकि आपको हेयर वॉश करने में बिल्कुल भी परेशानी ना होने पाए। ये देखिए, इस तरह से बालों का पार्टीशन करती जा रही है मेरी बेटी, अपने पूरे स्कैल्प पर अच्छी तरह से लगा लिया है। और जब भी आप इसे लगाएं, हल्के हल्के हाथों से प्रेस करें, मसाज नहीं करना है। ज़्यादा गीले बालों में मसाज नहीं की जाती है, नहीं तो बाल कमज़ोर हो जाते हैं। और इसके अलावा खाने पीने का ध्यान रखें, पानी ज़रूर पिएं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। आंवला खाएं, 2 करी लीव्स खाएं, और सप्ताह में एक बार इस जेल को ज़रूर लगाएं, जो कि 100% वर्क करेगा। कमज़ोर बाल मजबूत होंगे। और जो करी लीव्स होती है दोस्तों, ये हमारे नए बालों को उगाने में मदद करती है। प्रोटीन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गंजेपन की समस्या को दूर करती हैं करी लीव्स। सभी एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं, जो कि हमारे स्कैल्प और बालों के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इसे ज़रूर लगाएं। वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ टिप्स थिएटर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें।